Hello. In this lecture, we will discuss selection sort. So previously, we have discussed the bubble sort and seen that how it works. In today's video, I am going to discuss the selection sort. So what happens in selection sort? We'll just find the minimum element in the list, and then we will swap the minimum element with the current index. Then we will repeat the same process until and unless we get the sorted order array or list. ठीक है, तो अपन इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट निकालते हैं। तो पूरे में मिनिमम एलिमेंट क्या है, 1। ठीक है, तो 1 को हम सबसे आगे लाते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, 1 सबसे मिनिमम है तो 1 को हम 4 से स्वैप कर देते हैं। ये बन जाता है 1 3 8 5 4। ठीक है, फिर अभी पूरे में से मिनिमम निकाला था तो 1 आया था, 1 को छोड़ो, इतने में से हम मिनिमम निकालें तो मिनिमम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 को हम यहीं पे रखें क्योंकि ये सेकंड इंडेक्स पे ही, हम इसको स्वैप कर देंगे। फिर हमारे पास क्या होगा, वहीं पर है इसलिए हमने इसको स्वैप नहीं करा। 8 5 4, इन तीन में से कौन सा एलिमेंट मिनिमम है, मिनिमम एलिमेंट 4 है। 4 को करंट इंडेक्स से स्वैप करेंगे, यानी कि थर्ड इंडेक्स से स्वैप करेंगे। थर्ड इंडेक्स यानी कि 0 1 2 2 पे स्वैप कर देंगे। 4 को 4 यहाँ आ जाना है, 5 और 8। ठीक है, ये दो बचते हैं, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। फिर हम चेक कर लेंगे मिनिमम कौन है, 5 है, तो 5 मिनिमम है तो यहीं पर रह जाएगा और फिर हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, नाम क्या बोल रहे हैं, सिलेक्शन, इसका नाम तो सिलेक्शन, यानी कि मिनिमम एलिमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे, उसको हम सबसे आगे भेजेंगे और फिर आगे भेजते जाएंगे। जैसे 1 को मैंने मिनिमम एलिमेंट निकाल के इसको आगे भेजा, फिर बाकी बचे एलिमेंट में से मिनिमम निकाला उसको आगे भेजा, फिर बाकी में से मिनिमम निकाला उसको आगे भेजा। सिलेक्शन सॉर्ट इज नथिंग बट वी विल सिलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट आउट ऑफ द अरे एंड वी विल जस्ट शिफ्ट द मिनिमम एलिमेंट टू द राइट मोस्ट साइड। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं इसको कैसे कोड करना है, है ना। तो कोड अपन डिस्कस करते हैं इसमें। क्या करना है, एक एक करके हमको मिनिमम एलिमेंट निकालना है, उसको हमको फर्स्ट एलिमेंट से स्वैप करना है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम एक लूप लगा लेते हैं। ठीक है, फॉर आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एन माइनस 1, क्यों, हमें अगर ये 5 ही तो हम 4 बार करेंगे तो हमको सॉर्टेड मिल जाएगी क्योंकि लास्ट जो एलिमेंट बचेगा वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। ठीक है, एन माइनस 1 पे जा रहा हूँ, आई प्लस प्लस। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें हर बार मिनिमम निकालना है ना। अभी पहली बार जब लूप चलेगा तो मैं कुछ पहले से पूरे में से मिनिमम निकालता हूँ। मिनिमम में कैसे निकालूंगा, मैं सपोज एक वेरिएबल बना देता हूँ मिनिमम, उसमें मैं अभी आई स्टोर करा लेता हूँ, करंट इंडेक्स को अभी मैंने स्टोर करा लिया। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा जिससे क्या मैं मिनिमम निकालूंगा। तो मिनिमम कैसे निकलेगा, इक्वल्स टू आई प्लस 1 से, ठीक है, जे लेस देन एन तक जे प्लस प्लस, जे को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जे इक्वल्स टू आई प्लस 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लास्ट तक मैं जाके चेक कर रहा हूँ कि कौन सा एलिमेंट मिनिमम है। तो हर बार, पहली बार मैं यहाँ से यहाँ तक चेक कर रहा हूँ, पहला एलिमेंट मैंने मिनिमम मिन नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया, इसलिए मैंने जे इक्वल्स टू आई प्लस 1 से मैं चेक कर रहा हूँ। तो मैं हमेशा यहाँ से यहाँ तक चेक किया मिनिमम क्या आ रहा है, वो इस लूप के अंदर हमें निकालना है। मिनिमम निकालने के लिए क्या प्रोसेस होगी, मिनिमम निकालने की सिंपल सी प्रोसेस, इफ, ठीक है, अब सपोज इस अरे का नाम AR है, AR, इफ अरे ऑफ जे, ठीक है, इज स्मॉलर देन अरे ऑफ मिन, ठीक है, तो मिन इक्वल्स टू जे वन। ठीक है, ये फोर कंडीशन यहाँ पर हम ब्रेक कर दे रहे हैं। इतना होने के बाद हमारे पास क्या होने वाला है, ये अगर तुम इसको चलाओगे लूप को, तो जे इक्वल्स टू आई प्लस 1 से लेके लास्ट तक जा रहा है, हम हर बार चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा एरे ऑफ जे यानी कि एलिमेंट जो है वो लेस देन है एरे ऑफ मिन से, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स अगर वो छोटा है तो फिर मैं मिन को उस इंडेक्स पे ट्रांसफर कर दूँ। ठीक है, इस प्रोसेस से हम लास्ट तक ट्रेवल्स करेंगे और हमें हमारा मिनिमम इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस लूप से हमें क्या मिलेगा, मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा, हम एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा आई इक्वल्स टू, शुरुआत में मैं 0 के लिए बता देता हूँ, एक बार हम देख लेते हैं, हर बार वैसे ही ये वर्क करने वाला है। आई इक्वल्स टू 0 के लिए सबसे पहले मेन को मैंने आई से इनिशियलाइज करा तो मेन अभी 0 है। ठीक है, अब अपन आते हैं जे पे, जे की वैल्यू आई प्लस 1 यानी कि 0 प्लस 1, जे की वैल्यू इनिशियली 1 हो गई है ना। अब यहाँ पे चेक करेंगे क्या ए आर ऑफ 1 इज लेस देन ए आर ऑफ मिन, मिन की वैल्यू कितनी है 0, तो ए आर ऑफ 1 क्या 3 लेस देन है 4 से, ठीक
थ्री इज लेस देन फोर, तो मिनिमम की वैल्यू करंट इंडेक्स पे आ जाएगी। करंट इंडेक्स कितना? जे। मिनिमम की वैल्यू भी वन पे आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जे की वैल्यू कितनी हो गई? अब वन थी पहले, अब टू हो गई है ना। तो अब देखेंगे ए आर ऑफ टू यानी कि एट, क्या एट इज लेस देन ए आर ऑफ मिन है? मिन की वैल्यू कितनी है? वन है। तो एट इज लेस देन थ्री है क्या? इट इज नॉट लेस देन थ्री है, तो मिनिमम की वैल्यू अपडेट नहीं होगी, जो पहले चल रही थी मिन की वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, वापस हम जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं, थ्री पे आते हैं। जे की वैल्यू थ्री हो गई, तो ए आर ऑफ थ्री यानी कि फाइव, क्या मेरा फाइव जो है वो लेस देन है ए आर ऑफ मिन? मिन कितना है? वन पे है, तो थ्री, फाइव इज लेस देन थ्री है क्या? नहीं है। तो अभी फिर से मिन की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है, तो मिन की वैल्यू फिर से अभी वन चल रही है। ठीक है, वापस हम जे को इंक्रीमेंट करते हैं, फोर पे लाते हैं। अब हम देखेंगे कि ए आर ऑफ फोर्थ यानी कि फोर्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, क्या वो लेस देन है ए आर ऑफ मिन से? ए आर ऑफ मिन यानी कि यहाँ पे थ्री है, तो थ्री से लेस देन है, हाँ है, तो मिन की वैल्यू करंट इंडेक्स पे आ जाएगी। करंट इंडेक्स पे आने के बाद मिन की वैल्यू फोर होगी। ठीक है, तो इस अरे में मिनिमम एलिमेंट क्या है? वन है। वन का इंडेक्स क्या है? फोर। लास्ट में, इस लूप के लास्ट में मिन की वैल्यू तुमको क्या मिल रही है? फोर मिल रही है। मैंने क्या बताया था, मिनिमम एलिमेंट को, एलिमेंट को निकालना है, उसको फर्स्ट से स्वैप करना है, फिर सेकंड से, थर्ड से, ऐसे करते करते हम स्वैप करते करते हमें मिल जाएगा। ठीक है, करंट इंडेक्स से स्वैप करते, इसके बाद मैं लिख दूंगा स्वैप ए आर ओ मिन। मिन को किससे स्वैप करना है? जो हमारा आउटर लूप है का जो इंडेक्स चल रहा है ना आई, उससे स्वैप करते। आई जीरो चल रहा था, जीरो और फोर को हमने स्वैप कर दिया, तो वन यहाँ पे आ गया, थ्री एट फाइव फोर ये आ गया। ठीक, वापस से हम इसको अगर रन करेंगे तो आई की वैल्यू वन हो जानी है। ठीक है, मेन की वैल्यू शुरुआत में वन रहेगी यानी कि मेन शुरुआत में थ्री पे रहेगा, फिर वापस चेक करेगा मिनिमम निकलते जाएगा, यहाँ से इंडेक्स निकलते जाएगा, हम उसको स्वैप करते जाएंगे और हमारा अरे जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आके मिल जाएगा। ठीक, इस तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट वर्क करता है। सिलेक्शन सॉर्ट में हमने देखा कि हम पहले एलिमेंट को पिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा एलिमेंट का इंडेक्स मिनिमम है यहाँ से, और मिनिमम एलिमेंट इंडेक्स को हम करंट इंडेक्स से स्वैप करते जाते हैं अंटिल एंड अनलेस वी गेट आवर रिजल्ट दैट इज सॉर्टेड अरे। तो चलो इसको कोड करके एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं इसको कोड कैसे करेंगे। सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम अभी मैंने डिस्कस की बोर्ड पे है ना। सपोज इनपुट में तुम्हें दे रखा है 43851, तो डायरेक्ट अब मैं इसके कोडिंग पार्ट पे आऊंगा है ना। यहाँ पे मैंने इनपुट में यूजर से इनपुट ले रहे हैं, अरे ले रहे हैं या लिस्ट, जो भी तुमको वेक्टर लेना है तो वेक्टर ले सकते हो इनपुट में। पहले उसकी साइज ले रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं सारे एलिमेंट्स इनपुट में लेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि क्या मैं इनपुट ले रहा हूँ, तो मैं पहले फाइव साइज का अगर मैं एरे ले रहा हूँ तो फाइव आ जाएगा, 43851 है ना, तो ये आ जाएगा। और हमको क्या रिक्वायरमेंट क्या है कि इसके बाद हम आउटपुट में हमारा ये सॉर्टेड ऑर्डर में आके प्रिंट हो जाए बाय यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। चलो तो अब इनका कोड लिखते हैं। अब क्या था इसका कोड? यहाँ सबसे पहले मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ, आई, ठीक है, जे और मिन। मिन क्यों पता है ना तुम्हें? क्योंकि मिन हमें हमेशा मिन बार बार हमें कैलकुलेट करना पड़ता था मिनिमम का इंडेक्स। चलो अब इसके बाद अपन कोड करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक फोर लूप लगा लिया, इक्वल्स टू जीरो से कहाँ तक जाऊँगा मैं? साइज माइनस वन तक। ठीक है, तो इसकी साइज क्या एन है, तो एन माइनस वन तक मैं जाऊँगा, आई प्लस प्लस कर लिया। ठीक है, अब मैंने मिनिमम में पहले आई का इंडेक्स स्टोर करा लिया, मिन में मैंने आई का इंडेक्स स्टोर करा लिया, तो फिर मेरा जो अगला लूप होगा ना वो चालू होगा आई प्लस वन से। ठीक है, कहाँ तक जाएगा ये वाला लूप? ये तो पूरा लास्ट तक जाएगा। ठीक है, ये हो गया, समझ आया ना? ये पहला लूप लग गया, फिर हम मिनिमम का इंडेक्स निकालते जा रहे हैं, फिर दूसरा लूप लग गया, यहाँ पर जे लिखना था, जे नहीं लिख पाया मैं। ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद हम क्या क्या चेक करेंगे, क्या अगर हमारा इफ अरे ऑफ जे इस लेस देन हो अरे ऑफ मिन के, तो हमारा क्या हो जाए? मिन अपडेट हो जाए जे पे, है ना। मिन क्या मेरा अपडेट हो गया जे पे, और फिर लास्ट में मैं क्या कर दूँ, लास्ट में मैं क्या कर दूँ, स्वैप कर दूँ। अब स्वैप भी करना है तो यहाँ पे चेक कर लो, अगर मिन आई था तुम्हारा और अभी अभी भी वो आई ही है ना, अगर कोई मिनिमम तुम्हारा पहले जीरो पे था या टू पे था, वो अभी भी टू पे ही है, तो तुमको क्या उसको उसी पोजीशन पे स्वैप करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं? तो मैं ना एक कंडीशन इसमें और ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि इफ मेन इज नॉट इक्वल्स टू आई, ठीक है, तो मैं स्वैप कर दूँ अरे ऑफ मेन को और अरे ऑफ आई को।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम का पूरा कोड। इसके बाद हमारे को प्रिंट करा लेते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ फोर इंटा इक्वल्स टू 0 से लेके लेस देन एन तक चले जाते हैं, आई प्लस प्लस करके सी आउट कर देता हूँ मैं, क्या एलिमेंट्स। ठीक है, तो आई होप तुमको अच्छे समझ आ गया हो ये कोड क्या है, मैंने बोर्ड पे पूरा समझा दिया है ना। अब इसको अपन एक बार रन करके देख लेते हैं कि रन हो रहा है कि नहीं। तो ये आ गया सॉर्टेड ऑर्डर में 1 3 4 5 8, है ना, ये सॉर्ट होके हमारे पास आ चुका है। अब सपोज कि ये तो तुमने क्या करा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता तो हमेशा हम क्या निकालते हैं, मैक्सिमम इंडेक्स निकालते, जो मैक्सिमम का इंडेक्स आता है ना वो। तो मैं मिन को मैक्स कर देता हूँ फिलहाल के लिए ताकि समझ आ जाए तुम्हें, इस मिन को भी मैक्स, और ये साइन यहाँ पे बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी मैक्स। इसमें सिर्फ क्या होगा कि मैक्सिमम का इंडेक्स निकलता जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया है ना। अगर अगला एलिमेंट बड़ा होने वाला है मेरे प्रीवियस से जिस पे मेरा मैक्सिमम था, तो मैक्स को मैं अपडेट करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको भी मैं रन कर लेता हूँ, ये आ गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम कंप्लीट। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।